हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल apexport.com पे। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ना जैसे मैंने आपको पहले भी कंपनी के स्ट्रक्चर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पहले भी बताया था, मेरी प्रीवियस वीडियो में बताया था, आज मैं कंपनी के शेयर के बारे में बताना चाहता हूँ। शेयर है क्या, सारे बोलते हैं शेयर मार्केट पर है क्या, ये सारी चीज़ शेयर कंपनी में किस तरह से लिए जाते हैं और दिए जाते हैं, किस तरह से सारी गेम चलती है, आखिरकार कंपनी को जरूरत किस चीज़ की पड़ेगी, वो आपको कंपनी का मालिक बनाए। कंपनी अपने शेयर क्यों बेचना चाहती है, पहली बात तो ये है। इसका बेसिक आंसर है कि हमें कंपनी को फंड की ज़रूरत होती है, जो भी उसने प्रोजेक्ट लगाए हैं, जो भी उसकी आने वाली जो कोई भी रणनीति है, किस तरह से वो प्रोजेक्ट लगाएगी, किस तरह से उनमें पैसा इन्वॉल्व करेगी, तो इतना पैसा नहीं होता। ये किस तरह से रेज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं बैंक अकाउंट के थ्रू, बैंकों के थ्रू, जैसे लोन के रूप में कर सकते हैं, बॉन्ड्स के रूप में कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं ये पब्लिक को शेयर दें शेयर के रूप में, जैसे थोड़े थोड़े पार्टनरशिप बोल सकते हैं, चाहे 0.01%, जैसे करोड़ों में होते हैं शेयर, तो थोड़े थोड़े दें जिससे कंपनी को भी फ़ायदा हो और जैसे पब्लिक होगी, कोई भी आम पब्लिक होगी, उसी को भी फ़ायदा हो। तो इन शेयरों को बोला जाता है IPO। IPO का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये शेयर दिए जाते हैं पब्लिक को कि ये वाले ले लें। आपने जो मैंने पहले बताया था, प्रमोटर्स होते हैं, रिटेलर होते हैं, FI वाले होते हैं, DI वाले होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, वो सारे के सारे इन शेयरों को ले सकते हैं। पर ये बेसिकली होता है पब्लिक को मतलब नॉन इंस्टीट्यूशन भी आ सकते हैं और इंस्टीट्यूशन भी आ सकते हैं इसमें, ठीक है। अब तो दोस्तों मैं जैसे कंपनी के बारे में बताऊं, या फिर कंपनी के बारे में पहले बता चुका हूं, शेयर के बारे में, शेयर को आप किस तरह से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई कंपनी है विप्रो, इसमें आपने जैसे कंपनी है विप्रो इसमें आपने 100 शेयर लेना है, इसमें चलो मान लिया अभी के टाइम चल रहा है 400, तो ये आ गए आपके 40,000 के ठीक है। अब ये नहीं है कि 40,000 के आगे शेयर और हो गया, ये इसमें थोड़ा सा जैसे ब्रोकिंग ऐप्स होती हैं, जो भी ब्रोकर्स होते हैं उनका भी होता है थोड़ा मार्जिन, जैसे इस पर हो जाएगा 40,000 पे, जैसे थोड़ा बहुत हो जाएगा, जैसे इस पे लगा देगा 50+ लगा देगा, इसमें ब्रोकरेज होती है एंजल वन की बता रहा हूँ मैं, 23 रुपीज़ होती है समथिंग इसमें होती है, और बाकी थोड़े बहुत टैक्स वगैरह होते हैं। तो इस तरह से जैसे हो गया ये, अब वो अमाउंट के हिसाब से चलता रहता है, ये मान लिया आपने 28 रुपीज़ हो गया सारा का सारा टैक्स के रूप में, ठीक है जी। ये आपने वाई कर लिया शेयर को, ठीक है। ये मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि किस तरह से आप ले सकते हैं एक लेआउट की लैंग्वेज में, सब किसी हर किसी को ये चीज़ समझ आ सके। तो आपके पास हो गए 100 शेयर और ये आपके डीमैट अकाउंट में दिख जाएंगे। किस तरह से दिखेंगे, ये दिखेंगे 100 शेयर विप्रो। अब दूसरी बात ये आएगी, आपने लिए 400 रुपये के, हो सकता है ये प्लस में जाएँ या माइनस में जाएं, वो डिपेंड करता है इन शेयरों के मार्केट पे, न्यूज़ पे, वो एनालिसिस करके आपने खुद ही देखना है उसको। अगर ठीक है, अगर 400 प्लस हो गए, जैसे 5+ हो गए, तो ये आ गया शेयर आपका 405 पे, तो आपकी वैल्यू क्या बन गई, 40,500 रुपये। तो आप 500 रुपये के प्रॉफिट में हैं, ठीक है, प्रॉफिट में है। अगर आप उनको सेल करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, ठीक है। और ये सेल कर दिया आपने नेक्स्ट डे में, ये मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट डे में, T+1 में, ठीक है, इसमें कर दिया आपने सेल कर दिए, तो आपको प्रॉफिट कितना का हुआ, जो आप देखते हैं 40,000 में खरीदा था और 40,500 में बेचा था, 500 रुपये का आपको क्या बोलते हैं एक प्रॉफिट हो गया। इसको सेल किया तब भी इतने रुपए लगे आपके, 30 रुपये लग गए, 30 यहाँ पे लग गए थे, तो 60 रुपये आपके चार्जेस आ गए, ठीक है, चार्जेस आ गए, तो चार्जेस प्रॉफिट माइनस चार्जेस आपके रुपीस बने, ये बने आपके 440 रुपीस बने, जो प्रॉफिट में आपको शो होंगे, ठीक है। ये बता दी मैंने जो बेसिकली एक शेयर है कैसे खरीदा जाता है और कैसे बेचा जाता है, ठीक है। इसमें और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा,
आप अपने डीमैट अकाउंट में कैसे पैसे ऐड करें, जैसे मेरे पास एंजल ब्रोकिंग का है, एंजल बन बोलते हैं आजकल, इस तरह का है। इसमें आपके बैंक अकाउंट होगा जो डीमैट के अकाउंट के साथ अटैच होगा। बैंक अकाउंट से डीमैट अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे तभी आपके खरीद सकते हैं यहाँ पे कोई भी शेयर होगा। जैसे SBI में अकाउंट है और एंजल वन में मेरा डीमैट अकाउंट में, ठीक है जी। इसमें मैं चाहता हूँ यहाँ पे आएगा, जैसे डीमैट अकाउंट में आएगा ऐड अमाउंट फंड, जैसे मैं करूँगा 10,000। ये आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, जीपे के थ्रू भी कर सकते हैं, और भी इसमें टर्म्स होती है अलग अलग। यहाँ से आएगा पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट से आएगा सीधा डीमैट अकाउंट में, ये पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है जस्ट 2-4 सेकंड में हो जाता है ट्रांसफ़र, ठीक है। ये आ जाएगा, इस पर कोई चार्जेस नहीं हो गए, इस पर 10,000 पूरा आएगा आपको, ठीक है। ये आपके ऐड होने का, अगर हाँ आपको प्रॉफिट हो रहा है, जैसे यहाँ 500 रुपीज़ हो रहा है या 40,500 हो रहा है, इस तरह से अगर आप इसको विड्रॉल करना चाहते हैं तो ये विद इन 2 वर्किंग डेज में आपको आ जाता है, विड्रॉल का ऑप्शन होता है आपके अकाउंट में सीधा ये आ जाता है। ये बेसिकली मैं आपको एक शेयर को जैसे खरीदा जाता है कैसे बेचा जाता है बेसिक टर्म्स में बताया है। अब ये है, ये मैंने बता दिया कि कैसे ऐड करेंगे, कैसे विड्रॉल करेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन लाऊंगा इसके बारे में। ये अगर आपको अच्छा लगे लेआउट, मैं बिल्कुल लेआउट है जैसे आम बंदे को समझाते हैं वैसे बताया मैंने आपको ना। जैसे ये शेयर है, ये शेयर के बारे में आपको बता दिया कि क्यों ज़रूरत पड़ती है कंपनी को ये बेचने की, इसी को बोलते हैं IPO। आपने सुना होगा डिफरेंट टाइप के IPO होते हैं वो वाले, ये मैंने आपको बेसिक टर्म बताई, ठीक है दोस्तों। अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको IPO के अलग अलग टाइप के बारे में बताऊंगा, किस तरह से कंपनी और फायदे दे सकती है, बोनस क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, यील्ड क्या होती है, वो सारी टर्म्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।